morning, students. How are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Today we are going to start new lesson. Okay, new session, new semester. यानी semester number one. Semester number one start कर रहे हैं हम आज. और उसका जो पहला unit है, जिसका title है चीता स्टीयर. क्या है? चीता स्टीयर. चीता के आंसू. स्टीयर मतलब बता रहा आप लोगों को क्या होता है. Long, long ago, a Zulu hunter was sitting under a tree. Long, long यानी बहुत लंबे समय पहले की बात है. एक Zulu hunter, ठीक है, Zulu शिकारी, वो एक पेड़ के नीचे बैठा होगा. His name was Eddie. उसका नाम क्या था? Eddie था. तो जो Zulu क्या थी उसकी? जो tribe का नाम था वो Zulu था. ओके? और उसका नाम क्या था? Eddie था. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. उसने देखा हरा भरा मैदान था. मीडो यानी मैदान. एक हरा भरा मैदान था. वहां पर कुछ जो हिरण थे, डियर यानी हिरण, चर रहे थे. ओके, घास को चर रहे थे. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, these deer are really wonderful. ये जो डियर है ये सच में बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे. बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम. लेकिन अगर इनमें से किसी एक को भी मुझे पकड़ना है तो बहुत दौड़ना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना. कांट बी देयर एन इजी वे टू गेट वन. क्या कोई सरल रास्ता नहीं है कि इनमें से किसी भी एक को मैं पा सकूं. सडनली ही सो अ फीमेल चीता. और अचानक से उसने एक फीमेल चीता को देखा, मादा चीता को देखा, जो क्या कर रही थी? ट्रैवलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स. वो क्या कर रही थी? ये जो एनिमल्स चल रहे थे उनकी तरफ वो धीरे धीरे साइलेंटली बिना आवाज के उनकी तरफ बढ़ रही थी. ट्रैवलिंग यानी धीरे धीरे आगे सरकना. जो चीता लायन के जो आगे बढ़ने की कोशिश होती है, धीरे धीरे जो लोग आगे बढ़ते हैं उसे कहा जाता है ट्रैवलिंग. देन सी लैप एंड वॉच डियर. उसके बाद क्या किया उसने? एक उछाल मारी और एक डियर को पकड़ लिया. आफ्टर सम टाइम हर टू यंग कब्स कैम आउट ऑफ द बुश. और कुछ समय के बाद उसके दो छोटे बच्चे, कब यानी चीता के बच्चे को कब कहा जाता है, कैम आउट ऑफ द बुश. तो बुश में से वो यानी झाड़ी की, बुश यानी झाड़ी, झाड़ी में से बाहर आते हैं. दे ऑल एंजॉयड देयर मील. और उन सभी ने अपने भोजन का मजा लिया. एडीज आईज ब्राइटर. अब एडी की आंखें चमक गई. दे स्पार्कल्ड विद एन आइडिया. अब क्यों चमकी थी? कि उसके उसके दिमाग में एक युक्ति उसे सूझी थी. अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल गई. इन्वेड द क्यूब्स. उसको ये जो क्यूब्स थे, जो कब्स थे, यानी कि चीता के जो बच्चे थे, उससे उसे जलन होने लगी. कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटिफुल कब्स. जितने ये सुंदर कब्स खुश नसीब है, क्या मैं भी इतना खुश नसीब नहीं हो सकता हूँ कि मुझे भी आराम से अपना भोजन मिल जाए? कुछ करना ही नहीं पड़े, बस जाओ खाओ. दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट. उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उनका फूड मिल गया. कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर. उनकी मम्मी की तरह मेरे पास भी क्या कोई शिकारी नहीं हो सकता है? ही थॉट. ऐसा वो सोचता है. ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये निश्चय किया कि एक जो कब है, यंग कब यानी छोटा बच्चा है, चीता के दो बच्चे थे ना, उसमें से एक को क्या करेगा? वो पकड़ लेगा और उसे तालीम देगा शिकार को पकड़ने के लिए, ताकि वो शिकार ला करके उसे दे. फिर क्या बोल रहा है? फिर आगे बोल रहा है, देन आई शैल ऑन हिज. उसके बाद तो सिर्फ मुझे यही कहना पड़ेगा, ओ माई डियर गो एंड फील अ डियर फॉर मी. तो मेरे प्यारे जाओ और मेरे लिए एक हिरण लेकर के मार के ले आओ. माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल. क्या सोचता है? बात तो मेरी जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है, वो कि बहुत ही
ही आरामदायक हो जाएगा। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद